गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और कल का जो वीडियो गया है उसके लिए थोड़ा सा मुझे भी लगा कि इतना ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, कि अपनी इच्छाएं, जिसकी जो इच्छाएं वो करे, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो अपना जीवन जिए, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा करूँगी। तो ज़्यादा इसको लंबा ना करें बोल बोल के कि मैं ज़्यादा इसको लंबा खींचूँ। तो मैंने अपनी, सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर की थी उस वीडियो में, बाकी मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है और ना कभी है ना होगा, और ऐसा मेरे मन में कभी किसी के लिए ख्याल बुरे आते भी नहीं हैं। तो सिर्फ मेरी और मेरी खुद के अंदर की फीलिंग है कि मैं अगर अच्छा कर रही हूँ तो मुझे अच्छा करना चाहिए और मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती। तो इसी के साथ आज की शाम मैं शुरू करूँगी, पर आज हन्नी ने कुछ अच्छा सा बनाया बना रही है, और वो क्या है, स्प्रिंग रोल। और स्प्रिंग रोल जो सुने होंगे आपने, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सुने होंगे, और हनी बनाती है मैगी वाले। पर क्या हुआ कि मैगी नहीं थी, मिला क्या यूपी नूडल्स, पर उसने यूपी से ट्राई किया और आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये जो डिश है ये वो बहुत अच्छी बनाती है। बाकी मैं बोलूँ, घर के खाने को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो चीज़ें हैं इसमें हनी नंबर वन है। मेरे लिए तो फर्स्ट क्लास बनाती है, एक नंबर। और चीज़ें चीज़ें जो है ना, कि क्या बोलूँ, हाँ मैंने क्या बनाया था अभी पिछले, उसमें बनाया था मैंने टिंडे बनाए थे मैंने, हाँ। और अगर मैं टिंडे बनाए थे उसमें शाही टिंडे, उसमें मैं अगर चाहती तो मैं क्या करती, उसमें लच्छा परांठा रखती साथ में। तो लच्छा परांठा का नाम लिया तो मुझे याद आता है शैला भाभी, और शैला भाभी को मैं बता दूँ, ये भाभी जो है ऋषिकेश से हैं, उत्तराखंड ऋषिकेश से, और ये हमारे साथ तब से जुड़ी हुई हैं। तब शादी के बाद हम लोग ऋषिकेश शिफ्ट हुए थे और मेरे हस्बैंड उनके पास रहे, मतलब काफ़ी टाइम उनके हस्बैंड के साथ रहे। तो वो भाभी ने फर्स्ट टाइम मुझे लच्छा पराठा खिलाया था, तो वो लच्छा पराठा खा के मुझे जो है, मेरा फर्स्ट उसके बाद ट्राई किया था लच्छा पराठा बनाना। और ये लगभग अगर मैं याद करूँ तो ये 2003 की बात होगी, 2003 के आसपास ये बात है। लच्छा पराठा मैंने उस फर्स्ट टाइम उनका खाया था और उसी के बाद से मैंने ट्राई किया था घर में। तो शैला भाभी को मैं, अगर वो देख रही होंगी तो मैं उनको बोलूँगी, शैला भाभी जो लच्छे पराठे बनाती हैं बहुत ही डिलीशियस पराठे वो बनाती हैं, और उसको खा के मैं तो उनकी फ़ैन हो गई थी उस टाइम। तो वैसे ही मैंने भी घर में ट्राई किया था, तो अगर मैं टिंडे की सब्ज़ी के साथ शाही टिंडा बनाया था तो मैं वो बनाती ज़रूर, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कभी फिर बनाऊँगी। पर आज के लिए यही है कि आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल, यिप्पी स्प्रिंग रोल, और आई होप वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और आपको हनी की रेसिपी के लिए करना क्या है, लाइक कमेंट और शेयर, जितने भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हों उनमें सब में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ ना भूलें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी के अभी नीचे लिखे हुए देख लेंगे आप सब्सक्राइब के लिए लिखा होगा, उसको क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में यही है कि आज बन रहा है, हनी स्प्रिंग रोल बना रही है, तो आई होप उसको इन्जॉय करें आप और घर में भी ट्राई करें और बेटी को लाइक करना ना भूलें। और आज बना रही है हनी यिप्पी स्प्रिंग रोल, और उसमें जाएंगे 2 यिप्पी के पैकेट्स, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, सूजी 1 कटोरी, प्याज ये 2 कटे हुए हैं, थोड़े से मटर जो बॉईल करके रखे हुए हैं, और मैदे का घोल। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, सूजी को फाइन पाउडर बना के उसमें थोड़ा नमक डालकर एक आटे की तरह गूँथ लेंगे, आटे की तरह जैसे रोटी का आटा बनाते हैं वैसे इसको गूँथ के रख लेंगे। पर ध्यान देना है कि इसका फाइन पाउडर बनाकर ही इसको आटा गूँथना है इसका, और गूँथ के इसको कम से कम हमें रखना है 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके। और साथ ही इसको करने के बाद करना क्या है, हमने यिप्पी नूडल्स जो हमने लिए थे उनके जो पैकेट हैं उसमें जो मसाला आता है वो भी उसमें इस्तेमाल होगा, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेके जिस तरह से एक आटे का डो लगाते हैं वो हम लगाएंगे। तो
तो ध्यान यही रखना है कि हमें इसका पाउडर अच्छे से बनाना है, सूजी को अच्छे से पीस के, क्योंकि अगर ये मोटा रहेगा तो उतना अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए इसका फाइन पाउडर बना के ही इसका आटा लगाएं और इसको अच्छे से गूंथ गूंथ के, जिस तरह से रोटी का आटा तैयार होता है वैसे हल्का हल्का पानी डालकर आपने इसको गूंथना है और रखना है इसको 15 से 20 मिनट के लिए। चीज़ें वही रहेंगी इसमें, सोया सॉस, चिली सॉस और टमाटो सॉस, नमक और साथ ही यीपी के पैकेट्स, जो 2 पैकेट्स मैंने बताए हैं वो इसमें जाएगा, और प्याज और हरे मटर। और मटर का क्या है कि इस सीज़न में क्या होता है कि थोड़े पके पके से होते ना, तो उनको क्या करें आप थोड़ा बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद आप उसका यूज़ करें तो क्या है कि ये रेसिपी नूडल्स एंड नूडल्स तो जल्दी बन जाते हैं तो टाइम नहीं लेंगे फिर ज़्यादा। तो इसी तरह देखिए अब आटा हमारा लग के तैयार हो चुका है और इसको कवर करके रख देंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए, और इसको वापस से आएंगे हम शीट्स तैयार कर लेंगे। पहले इसको चकले पे क्या करना है, अच्छे से एक दो बार थोड़ा सा और गूँथ देना है कि ये आटा अच्छे से बाइंड हो जाए, और उसके बाद इसकी बनाएंगे हम गोलियाँ। और ये देखिएगा इसको रोल कर करके इसकी बराबर गोलियाँ बना ले, जैसे आप देख रहे हो इस तरह से कट लगा लगा कर पूरी बराबर शेप में आप इसकी गोलियाँ बना ले, क्योंकि बराबर रहेंगी। और फिर करना क्या है, आपने एक रोटी लेनी है, एक गोला लेना है और इस एक गोले को बेलना है, ये ध्यान देना आपने अच्छे से इसमें शीट में बनाते टाइम। हम बनाएंगे पहले एक बार में ये 2 शीट तैयार होती हैं और एक गोले को तैयार करेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं मैदा थोड़ा छिड़क के चकले पे, वैसे पहले एक रोटी तैयार करेंगे और ऑयल लेंगे साथ में, ये ध्यान रखना है क्योंकि हमें इसे ग्रीस करना होगा अंदर से। थोड़ा मैदा छिड़केंगे फिर रोटी बेलेंगे, और इस रोटी को हमें ज़्यादा बड़ा इस समय पे नहीं करना है, जिस तरह से एक पूड़ी बेलते हैं उस तरह से उतना बेलना है मैदा लगा के, और सेम 2 पूड़ी की साइज़ की हमें रोटियां बेलनी है। और फिर करना है कि दोनों हिस्सों पे हमें लगाना है तेल अच्छे से दोनों साइड, देखिएगा दोनों रोटियों पे हमने तेल लगाना है, और उसके ऊपर क्या करना है मैदे को अच्छे से छिड़क देना है, और जिस साइड से हमने ऑयल लगाया है दोनों को उसी साइड से चिपका देंगे आपस में एक दूसरे एक ऊपर डाल के, जिस साइड से ऑयल लगा है दोनों साइड वो चिपकेंगी, और उसमें अच्छे से मैदा भी हमें कवर करना है, और फिर दोनों रोटियों को एक साथ अच्छे से बेल देंगे। इसको काफ़ी जितने आपका बड़ा आप साइज़ बना सकते हो उतना बड़ा आप बना लो, क्योंकि शीट बनाओगे अच्छे से तभी आपका स्प्रिंग रोल जो बनेगा वो अच्छे अच्छे साइज़ का बन पाएगा। और अच्छे से बना के इसकी पतली पतली शीट तैयार हो जाएंगी, इसको थोड़ा और प्रेस कर करके अच्छे से बेल लें और अच्छी बड़ी रोटी आप इसको बना लें। और उसके बाद अगला प्रोसेस यही है कि तवे पे जाएगा और आप देखना ये इजीली निकल के आ जाएंगी, जो आप देखते होंगे ना कि जो स्प्रिंग रोल की शीट्स होती हैं अब तो वैसे मार्केट में भी ये मिलने लगी हैं, पर ये हम कर रहे हैं घर पे रेडी। तो देखिए तैयार हो गई हैं, और अभी ये क्या दिख रहा है आपको, एक रोटी दिख रही है कि ये एक रोटी है। और ऐसे ही हमने कर रहा था काफ़ी, हमने कम से कम इसमें 10 से 12 हमारी शीट्स बन चुकी थी। सेम वापस से दोबारा दिखाते हैं, 2 गोले बनाए वैसे पूड़ियाँ की तरह बेलेंगे मैदा लगा के अच्छे से, और उसके साथ ही हमें करना वही है कि एक पूड़ी तैयार, दूसरी पूड़ी तैयार, फिर दोनों पूड़ियों पे क्या करेंगे ऑयल ग्रीस कर लेंगे दोनों पूड़ियों पे, और जिस जगह पे हमने तेल लगाया है उसी पे मैदा उस पे उसके ऊपर छिड़क देंगे, और जिस साइड दोनों साइड तेल लगा हुआ है उसी हिस्से को चिपका देंगे एक दूसरे से। ये ध्यान देना है कि जिस साइड तेल लगा हुआ है उसी हिस्से को तेल से आपस में हमें चिपकाना है। तो क्या है कि ये ईजिली जो शीट्स हैं आप आराम से इनको निकाल पाएंगे। तो ये अच्छे से मैदा कोट किया, तेल लगाने के बाद इसको कवर कर दिया, फिर से रोटी बेल ली और उसी तरह से इसको बड़ा साइज़ में बेल लिया। बेलने के बाद वही साइज़ आपको ध्यान देना है कि आपको बड़ा ही रखना है साइज़ इसका। पतली शीट्स बन के तैयार तभी होंगी जब आप अच्छे से इसको बेलेंगे। और इसका जो है ना मार्केट वाला जो टेस्ट है, आपको आप अच्छे से बनाओगे एक एक स्टेप को फॉलो करोगे
तो चीज़ अब अपने आप ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिएगा रोटी अच्छे से बेल गई है और अच्छी खासी बड़ी बेली है। साइज़ इसका काफ़ी अच्छे से बड़ा करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नहीं करोगे, नॉर्मल रोटी की तरह करोगे, तो एक रोटी का जो है ना मोटापन जो है वो दिख जाएगा। और शीट्स होती हैं पतली पतली, देखिएगा ये हो गया। और हमने फिर रखा गैस पे तवा, तवे को अच्छे से गर्म कर लें, और जैसे तवा गर्म हो उस पर शीट्स डाल दें। और गाइस इसमें थोड़ा एक्चुअली हुआ क्या था कि हनी ने जब शीट्स डाली थी तो ये दो शीट्स एक साथ डल गई थी, मतलब क्या कि जैसे दो रोटियां एक साथ डल गई थी, क्योंकि ये इतनी पतली होती हैं उसको उठाने में पता भी नहीं चल पाता है। पर फिर भी ये चार डली थी एक साथ और ये चारों की चारों ईजली निकल गई थी। तो ऐसे ही आपको एक साइड से वापस से टर्न करना है, दूसरी साइड से फिर से टर्न करना है, दोनों साइड से ऐसे बराबर बराबर टर्न करना है। और इसको हमें बिल्कुल भी सेकना ढंग से नहीं है, जिस तरह से रोटी सेकते हैं हल्का हल्का सा सेकना है घुमा घुमा के, और वैसे ही आपको शीट्स क्या होंगी, ईजली आपकी शीट्स निकल आएंगी। आप देख रहे हो ना, ये कोई रोटी की तरह नहीं सिक रही है जिस तरह से रोटी सेकी जाती है, बस इसको ऐसे ही उल्टा पुल्टा करना है, टर्न करना है बस, और हल्का सा घुमा घुमा के गर्म करना है, और ये ईजली आपकी क्या होगी, यहीं पर हम दिखाएंगे, ये आराम से शीट्स निकल जाएंगी। और ये घुमा घुमा के इस पर कोई स्पॉट्स नहीं आए हैं, आप देख भी रहे होंगे, बस ये हल्का सा आपको कच्चापन दिख रहा होएगा। और देख रहे हो ना शीट्स, ये अपने आप धीरे धीरे क्या होती है, ये अलग होने लगती हैं। ये देखिएगा जो हमने दो बनाई थी उनमें से ये एक एक करके अपने आप ये अलग होती जाएंगी। ऐसे करके हमने कम से कम 10 से 12 शीट्स तैयार करी थी। और ध्यान देना है कि आपको कपड़ा लेना है हल्का गीला करके, उसको उसमें रखनी है शीट्स, क्योंकि सूख जाती हैं, इस बात का ध्यान देना है कि शीट्स को हल्के गीले कपड़े में रखनी है जब तक आप अपना काम पूरा करें। हल्के गीले कपड़े में रहेंगी तो ये सॉफ्ट बनी रहेंगे। साथ ही हमने ली कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, उसमें डाल दिया प्याज, साथ ही हरे मटर जो बॉईल करे हुए रखे हैं उनको थोड़ी सी देर भूनेंगे। और जैसे ही भुनेगा हल्का सा, इसका कच्चापन हमें चाहिए, ज़्यादा इसको भुनना नहीं है। और इसमें क्या करेंगे, हम पानी ऐड कर देंगे। मटर का ध्यान रखिए, आपको बॉयल मटर लेनी है, कच्ची मटर नहीं लेनी है। और पानी डालने के बाद में इसके अंदर हम जो हमने सॉस ऐड करनी है वो हम उसमें ऐड करेंगे। और इसमें जाएगा सोया सॉस हाफ चम्मच, छोटा हाफ चम्मच, टी स्पून जो होता है वो छोटा जाएगा। और साथ ही जाएगी इसमें चिली सॉस जो 2 चम्मच जाएगी, और साथ ही इसमें जाएगी जो हमारी टमाटो केचप होती है, टमाटो सॉस होती है वो 1 चम्मच जाएगी। और अगर आपके यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस हो तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये इसमें जाएगी लगभग 1 बड़े चम्मच समझ लो मैंने इसमें ऐड किया था। और इसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा चिली सॉस भी ऐड हुआ था इसमें। तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे, साथ ही फिर इसमें क्या करेंगे, हम पानी थोड़ा और ऐड करेंगे। हमने डालना है इसके ऊपर फिर मसाला अपना यिप्पी का, यिप्पी नूडल्स आते हैं ना जिस तरह से मैगी आते हैं वैसे ही यिप्पी नूडल्स आते हैं, आपने अगर देखा होगा मार्केट में, बच्चे जानते भी हैं। तो उसके दोनों हमने जो मसाले के पैकेट आते हैं वो उसमें खोल के डाल दिए। साथ ही इसमें हम करेंगे और पानी ऐड, क्योंकि हमें यिप्पी नूडल्स 2 पैकेट्स हैं तो हमें दोनों को पकाना है। तो 2 पैकेट्स हमने वापस से डाल दिए। और 2 पैकेट्स डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हमें उसका लगा था कि मसाला हल्का कम ना रह जाए, तो इसमें ऐड किया था हमने चिली सॉस थोड़ा सा, बाद में हल्का सा चिली सॉस डाला था। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप जो रेड चिली सॉस है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो हल्का सा, या फिर आप अपना, मेरे घर में मैंने आपको बता भी रखा है कि मेरे घर में थोड़ा हरी मिर्च को अवॉइड किया जाता है, तो हरी मिर्च नहीं खाई जाती, इस कारण मैं हरी मिर्च नहीं डाली हूँ। आप इसमें हरी मिर्च का टेस्ट डाल सकते हो, आप इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा। और ये 2 पैकेट्स हैं तो 2 पैकेट्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें पानी रखना है कि इसमें पानी कितना जाएगा। तो 2 पैकेट्स में जितना, उसके हिसाब से कि हमें क्या करना है, यिप्पी नूडल्स को अच्छे से पकाना है, और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। ये ध्यान देना है कि इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए, क्योंकि हमें भरना है इसको स्प्रिंग रोल के अंदर। और देखिएगा मैंने चिली सॉस
और थोड़ा सा वापस से रेड चिली सॉस और ऐड किया ज़रा सा, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा टेस्ट भी कम लग रहा था। और इसको अच्छे से मिला देंगे। और इसमें आपने नोटिस किया होगा, इसमें नमक ऐड नहीं हुआ है। इस टाइम पे नमक ऐड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो यूपी नूडल्स हैं उसमें ऑलरेडी नमक है, सोया सॉस में भी नमक है। और नमक का इस टाइम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि नमक हम इसमें नहीं ऐड कर सकते। साथ ही हम क्या करेंगे, अपना मैदा और पानी का एक छोटा सा घोल तैयार करेंगे। उस घोल को तैयार करने के बाद हम शीट्स के यू शेप में, जिस तरह से यू शेप का साइन होता है, उस तरह से हम इसको घोल को लगा देंगे और सेंटर में डाल देंगे हम अपने नूडल्स जो हमने बनाए हैं। और साइड से ऐसे ही, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, इस तरह से आप इसको कवर करें। और ध्यान दें कि जो आपने घोल तैयार किया है उसको अच्छे से चिपकाएं। और साथ ही जिस तरह से देख रहे हो आप, इस तरह से टर्न करते हुए, और लास्ट जब आ जाएगा पोर्शन, उस पर आपने देखना है कि आपने जो घोल है वो अच्छे से चिपका हुआ हो, कि आप जब फ्राई करो तो ये खुले ना, इस बात का ध्यान देना है आपने। वापस से वैसे ही अच्छे से सामने के हिस्से से हम यू शेप में लगाएंगे अपना घोल, जो हमने मैदे का पानी का घोल तैयार किया है। और फिर वही सेंटर में जाएगा अपना नूडल्स, और जिस साइड से नूडल्स जाएगा उस साइड से करना है वापस से हमने रैप। और दोनों साइड से पहले इसको फोल्ड कर लेंगे, दोनों साइड से बराबर बराबर, और नूडल्स की साइड से टर्न करते घुमाते घुमाते लास्ट उस पर जाएंगे। और वहाँ पे जो है अच्छे से ध्यान देना है कि आपने घोल अच्छे से लगाया है या नहीं। इस तरह से सारे हमने स्प्रिंग रोल्स अपने तैयार कर लिए थे। और ऑयल अपना गैस पे चढ़ा दें अच्छे से गर्म होने के लिए। तेल जो है वो मीडियम फ्लेम पे रहे, कि इतना तेज़ भी ना हो कि डालती वो जल जाए, क्योंकि धीमी धीमी आँच पर सिकेंगे तो ही ये अच्छे बनेंगे। वापस से फिर से देख लीजिएगा, अगर कोई स्टेप आपसे छूट जाए तो ये सेम आपको ऐसे ही रिपीट करना है। लास्ट वाले हिस्से पे घोल इतना लगा हो कि लास्ट हिस्सा चिपक जाए अच्छे से। और इस तरह से हमने सारे अपने तैयार कर लिए थे, ऑयल गैस पे चढ़ा दिया था। और इसमें क्या है कि तेल का जो है टेम्परेचर चेक करते रहना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ये तेज़ होगा तो क्या होती है, चीज़ें बेकार हो जाती है, कलर भी ख़राब आता है फिर, और जल जाते हैं अंदर से, अच्छे से प्रॉपर पक नहीं पाते हैं। और वैसे होता क्या है कि जैसे स्प्रिंग रोल की शीट्स को हमने करारी करना है, अंदर की स्टफिंग तो हमारी ऑलरेडी पहले से पकी हुई है, पर ध्यान यही देना है कि आपको इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। इसका जो क्रंचीनेस है वो ध्यान देना है कि वो अच्छे से बरकरार रहे। और इसको ऐसे ही टर्न करते हुए आपने बनाना है सारे। तो देखिएगा, ये बिल्कुल आपको मैं बताऊं क्या, रेस्टोरेंट स्टाइल, रेस्टोरेंट के जैसे और वही टेस्ट, इतने यम्मी, इतने अच्छे बने थे कि मैं बता नहीं सकती कि कितने टेस्टी ये बने थे। और इस चीज़ में क्या है कि हनी को महारत हासिल हो चुकी है, अब ये चीज़ जो है हनी बहुत अच्छे से बना लेती है। और मुझे पता है एक दिन ऐसा आएगा ये मुझसे ज़्यादा हर चीज़ को अच्छे से परफेक्ट तरीके से बना पाएगी। तो देखिएगा, ये जो है ऐसे घुमा घुमा के टर्न कर करके सारे फ्राई कर लें आप। और देखिए, हो गए हमारे ये कंप्लीट तैयार, और हो गए खाने के लिए रेडी स्प्रिंग रोल।